बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपना टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ और हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, आप देखते हैं मास्टर कोचिंग सेंटर। लास्ट जो हमारी वीडियो थी, जो इससे पहले वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके इससे पिछली वीडियो देख ले। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने उसमें सॉल्व किए थे। अब आगे एक्सरसाइज है 1.2। पहले 1.1 थी, अब एक्सरसाइज है 1.2। अच्छा, हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक जरूर होता है। इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है। जब तक आप इस इंट्रोडक्शन टॉपिक को पूरा नहीं समझते तब तक आपको इस एक्सरसाइज के बारे में समझ नहीं आएगा। आप डायरेक्ट अगर बोलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में शुरू कर दो, डायरेक्ट कर दो, जब तक इन प्रॉपर्टीज को आप ना समझो, ना मेमोराइज करो, तब तक आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज को जितनी भी है उनको मेमोराइज करो, इन प्रॉपर्टीज को समझ लो, उसके बाद भी आप कोई भी क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे ही एक्सरसाइज वन लाइन आंसर है, डायरेक्ट आंसर आएगा सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज कहीं पर भी नहीं आती, इसलिए आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सिर्फ एमसीक्यूज बेस पे ही तैयारी करनी है, लेकिन प्रॉपर्टी का समझना जरूरी होता है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि वो प्रॉपर्टी जिसमें दो रियल नंबर का जो सम है वो भी रियल आएगा, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी हमारी पहली क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई दो नंबर में ऐड लेता हूं, ऐड करने के लिए लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5 से ले लिए, या कोई भी आप दो नंबर लो, उनका जो आंसर है वो आपके पास रियल नंबर आ जाए, वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फ्रैक्शन में नंबर हो तो भी है, कि फ्रैक्शन के नंबर में अगर फ्रैक्शन सेम होता है तो फ्रैक्शन सेम आता है, ऊपर का नंबर ऐड हो जाता है, तो 6+2 हमारे पास होता है 8, यहां पर बाय मिस्टेक 7 लिख दिया था मैंने, करेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास अगर इसकी डिवीजन हो रही होती तो करते, नहीं हो रही तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसका WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के एडिशन के साथ। अगर दो नंबर को मैं ऐड करूं तो प्रॉपर्टी मिलती जुलती, लेकिन यहां पर कौन फर्क ये दिखाया कि अगर मैं दो नंबर को ऐड करूं, फॉर एग्जांपल ए से बी को ऐड करूं या बी से ए को ऐड करूं, आंसर दोनों सूरतों में सेम आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी दो नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1 2 लो, अगर आप 1 को 2 से ऐड करो या 2 को 1 से ऐड करो, किसी भी तरीके से ऐड करो, आंसर आपके पास क्या आएगा, दोनों सूरतों में सेम। यहां से 1+2 करोगे तो भी आपके पास 3 आएगा, 2+1 करोगे तो भी आपके पास आंसर 3 ही आना है। तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आनी अगर आप किसी भी रिस्पेक्ट से इसको एडिशन में ले आओ, पहले किसी भी नंबर पर ऐड करो। तो ये आगे ध्यान रखना, बहुत सारी जगह पर ऐसी चीजों को आप यूज करो। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें तीन वेरिएबल, कम्यूटेटिव में हमारे पास दो नंबर या दो चीजें इस्तेमाल होगी, एसोसिएटिव में हमारे पास तीन इस्तेमाल होगी। अब तीन इस तरह दिए कि ए को बी से ऐड करो फिर सी से ऐड कर लो, या पहले बी प्लस सी ऐड करके ए से ऐड करो, आंसर दोनों सूत्रों में सेम आना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ चलूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2, 3 और 4, तीन नंबर मैंने लिए 2, 3 एंड 4, सामने भी यही लूंगा 2, 3 एंड 4। अब अगर मैं 2+3 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 5, 5+4=9। अगर मैं ऐड करता हूँ 4+3, पहला आंसर आता है 7, 7+2 करता हूँ, आंसर क्या आता है 9। तो दोनों सूत्रों में मैंने किसी भी तरीके से एडिशन के ऑर्डर को लेना है, आंसर मेरा दोनों सूत्रों में सेम ही आना है, आंसर में कोई फर्क नहीं आना। आगे बढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग है इनसे, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर को आप जीरो से ऐड करते हो, याद रखना आगे बहुत जगह इस्तेमाल होगी ये प्रॉपर्टी, और एक और एडिटिव आइडेंटिटी के अलावा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से प्लस करते हो या जीरो किसी नंबर से प्लस होता है तो जीरो खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐड करने में आपके पास सिर्फ नंबर बचता है। फॉर एग्जाम्पल 9+0 करो या 0+9 करो, आंसर 9 ही आना है। बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक यहां पर 0 लिख देते हैं, आंसर प्रॉपर नहीं लिखते, इसलिए ध्यान रखना कि आप 0 से किसी को ऐड करो या 0 किसी से ऐड करो, आंसर दोनों सूरतों में 0 खत्म हो जाना है, जो नंबर होगा आपको वो ही आना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में अगर किसी भी नंबर को लिया जाए और उसी की नेगेटिव साइन हो उसी नंबर को लिया जाए, आंसर कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 लेता हूँ, 9 को -9 से सॉल्व करो या -9 को +9 से, अपोजिट साइन, जब भी अपोजिट साइन होती है एडिटिव इनवर्स कहलाता है, एमसीक्यूज में बहुत आता है इस तरह का सवाल, आंसर दोनों सूत्रों में क्या आता है, 0। तो
एक वैल्यू अगर आपको मैथ्स में एलजेब्रा के कोई भी सवाल में अगर एक वैल्यू प्लस में नजर आए दूसरी वैल्यू माइनस में नजर आए आप उस क्वेश्चन पर पेंसिल या पेंसिल इस तरह से लाइन लगा दो इसका मतलब वो कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद वहां बचते हैं जीरो। कोई और नंबर वगैरह बच रहा है तो वहां पर आप जीरो नहीं लिखोगे दूसरा नंबर लिखोगे सिंगल सिर्फ नंबर की बात है तो फिर वहां जीरो लिखोगे। ये बात याद रखना क्योंकि आगे बहुत सारे सवालों में इसको इस्तेमाल करना होता है। हम अपनी सिक्स प्रॉपर्टी पे जाते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जैसे यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ गई। अगर कोई भी दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं a को b से मल्टीप्लाई करो b को c से मल्टीप्लाई a को b से करो या b को a से करो आंसर रियल नंबर आ रहा है ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी उसी जैसी है मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में था दो रियल नंबर को अगर ऐड कर दें रियल नंबर आता है इसी तरह दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड आंसर जो है वो रियल नंबर ही होगा सही। तो इस प्रॉपर्टी को आप इस तरह मेंशन सिंपल कर सकते हो कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू c के लिए। आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई शॉर्ट में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगाया क्लियर है। अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं a को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या b को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं आंसर दोनों सूरतों में मेरा सेम आना है तो मैं आंसर होगा देखो तो यहां पर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करो या 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करो आंसर 9 2 का 18 2 9 का 18 मल्टीप्लाई का ऑर्डर कैसा भी हो नंबर का आंसर दोनों सूरतों में सेम आना है। अगर नंबर आपके पास सेम लिए गए ऑर्डर डिफरेंट हो किसी भी नंबर का पहले रखो या बाद में रखो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप 9 का टेबल पढ़ो 9 2 से 18 होता है 2 का टेबल 9 तक पढ़ो तो वो भी 18 ही होता है क्लियर। अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट में लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास यहां पर तीन वैल्यू है a को b से मल्टीप्लाई कर दूं फिर c से करूं या a को b से मल्टीप्लाई करके मैं पहले b को c से मल्टीप्लाई करके a से करूं आंसर दोनों सूत्रों में सेम आना है। हम इसकी चेक कर लेते हैं एक दफा को नंबर लेके मैं ले लेता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने 2 4 5 है यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑर्डर यहां पर है पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है यहां पर 4 को 5 से करना है 2 4 का मैं कर रहा हूं 8 आ रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 5 यहां पर अगर मैं करूं 4 5 का 20 अगर मैं यहां से देखूं तो 8 5 का 40 22 का 40 दोनों सूत्रों में मेरा आंसर सेम आ रहा है इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर किसी भी तरह लो तीन नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो किसी भी दो नंबर को पहले करो फिर थर्ड नंबर से करो आंसर आपका सेम ही आना है आंसर में कोई फर्क नहीं आना क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 की जगह खत्म हो जाती है सिर्फ नंबर की जगह रहती है। इसी तरह की प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी में थी। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 लिया था यहां पर 1 लिया था a को 1 से करूं या 1 को a से करूं आंसर मेरा a ही आ रहा है और एक नंबर अगर आप नंबर ले लो 11 11 का 11 111 का 11 तो दोनों सूत्रों में आंसर सेम ही आ रहा है। आगे आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है एडिटिव इनवर्स में अगर कोई भी दो नंबर्स को सॉल्व करें कि एक नंबर अगर a लिया जाए और उसी के नेगेटिव साइड में दूसरा लिया जाए या नेगेटिव नंबर एक लिया जाए और उसी का पॉजिटिव नंबर लिया जाए तो आंसर कैंसिल होने के बाद जीरो बचता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर कोई भी दो नंबर्स को मैं सॉल्व करूंगा फॉर एग्जांपल a लिया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल होगा। इसका रेसिप्रोकल अगर मैं इसकी और इसकी डिटेल लूं तो जैसे मैंने यहां a लिखा हुआ है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है तो उसको समझने के लिए आप एक चीज ध्यान रखो a है a के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहां पर 1 है। जब किसी भी वैल्यू को रेसिप्रोकल किया जाता है तो 1 upon a को ये वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आता है इसलिए 1 upon a बच गया क्लियर है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो नंबर्स को अगर मैं सॉल्व करूं फॉर एग्जांपल एक नंबर लूं दूसरा उसका रेसिप्रोकल लूं तो आंसर सॉल्व करने पे 1 आता है। एग्जांपल के तौर पर सॉल्व करा दूं जैसे फॉर एग्जांपल 3 लिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 upon 3 है या 1 upon 3 को मल्टीप्लाई 3 से करूं क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे के नंबर होते कैंसिल हो जाते हैं तो हर सूरत में 1 और 1 ही बचता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर 2.5 लियो इसका रेसिप्रोकल मैंने आपको यहां समझाया वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज होना है तो 5 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करो 5 से 5 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल
मल्टीप्लाई में जब सब कैंसिल हो जाता है आंसर बचता है 1। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर है? बहुत जगह पे आगे सवालों में इस्तेमाल होगी। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे नहीं देखते, अभी नहीं समझते, आगे जाके ये चीजें लाजमी कहीं ना कहीं मुश्किल करती है। ये चीज प्लस में जीरो था, एडिटिव इनवर्स था, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें लाजमी यूज करती होगी। तो वहां पर ये चीज अगर क्लियर होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो छोटी बेसिक होती है जो बच्चों की क्लियर नहीं होती, जो बेसिक प्रॉपर बनी हुई होती वो नहीं होती। बहुत सारे स्कूल मैथ्स के ऊपर फोकस नहीं करते, इस वजह से 9-10 में जो बच्चा आता है तो मैथ्स की बेस नहीं बनी होती, अच्छे टीचर स्कूल नहीं हायर कर रहा, इस वजह से बच्चों को मुश्किल होती है। लेकिन अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है यूट्यूब का, मेरा चैनल है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप दूसरों को भी शेयर करें और खुद भी इसको अच्छे से व्यू करें, पूरे देखें और दूसरों को भी बताएं, और ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में 70 प्लस मार्क्स आए आउट ऑफ 75, तो आपको हर चीज को प्रॉपर लेके चलना है। जैसे मैंने कल आपको बताया, लास्ट वीडियो में बताया कि आपको करना ये है कि प्रॉपर अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है। जो चीज मैं आप बोर्ड पे प्रॉपर करा रहा हूँ अपने मन नोट डाउन करो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या लाजमी इसको मेरे साथ साथ कॉपी कर ले लो, अच्छे से इसको समझो, आपको बहुत फायदा होगा। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीजें, अगर आप यहाँ देखो तो ए बी प्लस सी, ए के बाद कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट बना है। मल्टीप्लिकेशन में या तो मल्टीप्लाई की साइन लगती है या ब्रैकेट बनता है या कहीं नंबर के बीच में आपको डॉट नजर आता है, वो तीन चीजें हैं जो मल्टीप्लिकेशन की इंडिकेशन है। तो ए को मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ बी प्लस सी, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी। तो अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन देखी जाए तो सिंप्लीफिकेशन इस तरह होती है कि a मल्टीप्लाई होता है b से, फिर a मल्टीप्लाई होता है c से, तो ab और ac। एग्जांपल के तौर पे मैं नंबर दे देता हूं 2, 5 और 9, 2, 5 और 6, छोटे नंबर देता हूं कि आपको इजी समझ आ जाए। यहां पर मैं लेता हूं a की जगह, देखो मैंने 2 लिया, b की जगह 5 लिया, c की जगह 6 लिया, तो यहां a की जगह 2 लूंगा, b की जगह 5। ab के बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, याद रखना। तो मल्टीप्लाई की साइन फिर 5, फिर AC दे रहे हैं, फिर A की वैल्यू आपने 2 ली और C की वैल्यू 6, दोनों को सिंपलीफाई करके देखता हूं कि आंसर क्या आता है। 5 प्लस 6 अगर मैं करता हूं तो 5 प्लस 6 मेरा 11 होता है, 11 2 22, दूसरी साइड पे आ जा रहा हूं, 2 5 10 2 6 12, आंसर दोनों सूत्रों में मेरा क्या आया, सेम आया। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दोनों सूत्रों में आंसर सेम आता है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड रफ करके आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज में जब तक आपको ये चीज आइडेंटिफाई नहीं होगी आप नहीं कर सकते। वैसे तो ऐसा है कि अगर आप इनको अच्छे से दिमाग रखो और एक्सरसाइज को खुद देखो, आप एक्सरसाइज को खुद सॉल्व कर सकते हो इनको देखने के बाद, सही है? मैं फिर भी आपको अभी सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद पहले आप कॉपी कर लो, अच्छे से मैं साइड हो जाता हूँ, आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद उसके बाद फिर मैं आपको न्यूज के बाद जितने क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। आपके पास क्वेश्चन है, मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व नहीं किए, कुछ क्वेश्चन जो सेम है वो आपके लिए जोड़ेंगे, वो आप खुद सॉल्व करो। तो मैंने जो कुछ सवाल थे जो उनको अलग अलग आ रहे थे वो करवा दिए, तो इसको करने के बाद आप सारे क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, बस इसके अलावा कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं करनी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1/2 प्लस 2/3, आगे आपको नजर आ रहा है यही नंबर नजर आ रहा है। देख लो, पहले 1/2 लिखा था, फिर 2/3 लिखा था, अब की बार 2/3 के बाद 1/3। ये प्रॉपर्टी आप पीछे नजर करो, जो आपने अपने में नोट डाउन किया होगा, जो बोर्ड पे हमने लिखा था, उसमें हमारे पास अगर दो नंबर्स को ऐड करें किसी भी ऑर्डर से, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को मैं वापस आपको लिख के दिखाऊं कि a + b करो या b + a करो, आंसर दोनों सूत्रों में सेम आना है। ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, बीच में एडिशन का साइन है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर आओ, यहां पर भी आपको प्लस की साइन नजर आ रही है, इसका मतलब कि एडिशन की प्रॉपर्टी है, तीन वैल्यू नजर आ रही है, ऑर्डर डिफरेंट नजर आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव पूरा लिख लेता हूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। अगर बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा दोनों सवाल में तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देते हैं, एडिशन का साइन है तो एडिशन की साइन देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9, 20 अपॉन 9, यहां पर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहां पर अगर आप नोट करो तो 9 को पहले 10 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई किया,
फिर 9 को मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन 9 से, तो ये सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर उसके बाद एडिशन, इसी तरह ये नेगेटिव के साथ माइनस की प्रॉपर्टी भी है। यहां पर भी अगर आप देखो तो 10 अपॉन 15 को मैंने 7 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई किया है 10 अपॉन 15 से, तो यहां पर भी एक प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। तो ओवर सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मैंने नीचे मेंशन नहीं की थी, इसलिए आप बता। और क्वेश्चन 10 देखते हैं, a upon b, b upon a, अगर आप नंबर देखो तो मल्टीप्लाई में, और अगर मैं यहां पर देखूं तो a upon b सामने b upon a उसका रेसिप्रोकल ही है, जो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी होती है वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका आंसर 1 आता है, तो ये हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जब एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया जाता है तो आंसर क्या आता है, 1। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कर रहा है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे मैंने नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी इसमें नंबर मिस करके दिया होगा वो आपको देखना है क्या है, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहां पर 7 अपॉन 10 दिया हुआ है, 70 के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, सामने अगर देखो 7 दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, तो जो चीज नहीं थी तो वो मिस लिखनी आपको, यहां 7 अपॉन 10 है, यहां पर क्या मिस है, 10। अब कंटिन्यू करते आगे, 70 अपॉन 10 होना चाहिए, 70 में निकल 10 में निकल, अपोजिट है, यहां 70 आ जाएगा नीचे 10 था तो वो यहां 16 upon 33, 16 upon, यहाँ पर एक चीज कर रही थी 16 upon dash, 16 upon dash तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से 33 या कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दोनों जगह सेम होगा। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, इसमें से एक ये था, एक और 5 वाला, यहाँ -21 plus dash, यहाँ ऐसा क्या नंबर रखूँ जो आंसर 0 आ जाए, एडिटिव प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इनवर्स में था, कि एक वैल्यू माइनस में दूसरी वैल्यू अगर प्लस में ली जाए तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पर आपको आंसर सिंपलीफाई करना था कि जो पी जी वैल्यू मिस है वो आपको लिखनी थी। तो मैं आपको बोर्ड की ये तस्वीर दे रहा हूँ कि बोर्ड आप इसको अच्छे से, आपके पास स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लो, या जो आपको करना है आप इसके हिसाब से देख लो, आप इसको पॉज करके लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लो, लेकिन अपने पास अच्छे से नोट कर लो प्रॉपर्टी, और रिमेनिंग सवाल जो है वो आप खुद इसमें से सॉल्व करोगे। तो होप आप लोग ने ये पिक्चर ले ली होगी, और मैं